नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पौड़ी जिले के थोड़ी का बस अड्डा नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। बस अड्डे के प्रतिक्षालय में शराब की बोतलों का अंबार लग गया है, जहां पर रात को शराबिया अपनी मैखाना बना दिए हैं। अंधेरे होने के बाद प्रतिक्षालय में जमकर शराब उड़ेली जा रही है। आपको बताते चले कि बस अड्डे के सामने ही पुलिस चेक पोस्ट भी, इसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों की नजर अभी तक नशेड़ियों पर नहीं पड़ पा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामले में नगरपालिका को भी अवगत कराया गया है, लेकिन शराबियों को लगाम नहीं लगाई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बस अड्डे पर यात्रियों का आना जाना रहता है, मगर प्रतिक्षालय में शराबियों ने शराब की बोतलें से गंदगी फैला दी है, जिस वजह से यहां पर गंदी आबार और गंदी अंबर लग गई है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि प्रशासन से मामले के बारे में हम सब ने नशेड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस पे पड़ी और जिस प्रकार से यहाँ ये बस अड्डा कम और शराब का अड्डा मुझे ज्यादा लग रहा है, और इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ कभी सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी तो कोई सफाई नहीं की जा रही है। पूरा बस अड्डा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ शराबियों का पूरा अड्डा है ये, और ये यात्रियों के लिए बैठने के लिए बनाया गया है, ना कि शराब पीने के लिए। और इस स्थिति में यहाँ पे कैसे कोई यात्री अपना मतलब बैठ सकता है? आज जो यात्री है वो छत में धूप में खड़ा रहने को मजबूर है। और यहाँ देखो किस प्रकार की अव्यवस्था है, प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। स्थिति अब बस अड्डा तो ठीक है, बस अड्डे चलो सुविधाएं मिल गई है, छत की पार्किंग के लिए मिल चुकी है, काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन जिस प्रकार से ये अव्यवस्था है, शराबियों का अड्डा बन रखा है, ये बहुत ही एक दुख होता है शहर में। इस तरह से हम तो अब शहर में ही रहते हैं तो यहाँ ये शराब, यहाँ पे शराबी पी रहे हैं और शौचालय देखो कितना टॉयलेट भी यही कर रखी है। पूरे रास्ते में ऊपर से नीचे तक पूरी शराब की बोतलें आपको दिख जाएंगी, आपको अपने कैमरे में अभी दिखा देख सकते हैं। और वही है बस, शराबियों को प्रशासन को एक सुध लेनी चाहिए इसकी, इतना बड़ा बस अड्डा बना रखा है। थराली विकास खंड के कोनी पारथा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरह से सरकार के ही कर्मचारी पतीला लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो एन लोकसभा के वक्त यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान पर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, सरकारी जितने भी काम हैं उन पर मटिया फेर कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मामला ये है कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के अंतर्गत थराली प्रखंड के कोनी पारथा गांव में 4,30,00,000 रुपए की भारी भरकम धनराशि से जल निगम कर्णप्रयाग में गांव के लिए पाइपलाइन तो बिछा ही दी गई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उनको कई माह गुजर जाने के बाद भी नई पाइपलाइन से एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ है, और ग्रामीण पुराने प्राकृतिक जल स्रोत से ही घंटों लाइन में लगाकर पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जिस स्रोत से नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है उस स्रोत पर पहले से ही पानी बहुत कम है। ग्रामीणों ने तभी जल निगम विभाग से कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों की एक ना सुनी गई। आपको बताते चले कि दिक्कत का कारण बनेगी लगातार जल निगम ने मनमानी करते हुए पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन जल का कारण अभी भी समस्या वहां की जनता के बीच में मौजूद है। कोने पारथा गांव के लोगों ने इस बात की शिकायतें भी की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, जिसके कारण उन्हें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल निगम ने उनके लगभग 300 की आबादी वाले गांव में पानी की समुचित व्यवस्था तत्काल नहीं की तो आंदोलन के लिए विवश होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए TV24।